Okay, everyone. First of all, good morning. And second thing, I have uploaded a video yesterday. Okay, which is now available online. So when you will be at home, you will be able to watch it. Very fast, you will be able to watch it. Okay. In that video, there was a question in the assignment. How many of you have tried to solve the assignment which was given by me yesterday or day before yesterday? Dekhiye. And then assignment portions were there that suppose कि इसमें कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल ये पता करना है ठीक है ये क्वेश्चन सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने उसको भी ऐसा वीडियो में दिया हुआ है सो यू हैव टू वॉच इट एंड आफ्टर वॉचिंग इट यू विल बी एबल टू कंक्लूड कि ये कैसे किया जाएगा एंड ट्रस्ट मी दिस होल ये सारी चीज आप 9th क्लास में कर चुके हैं यू हैव ऑलरेडी डन दिस होल मटेरियल इन 9th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बिकॉज़ यू न्यू अबाउट सिर्फ क्या बचेगा खत्म दोनों टू फिफ्टी कैंसिल सो आई एम ओनली विल रिसीव एम जी
go. That is the thing which will be get. So simply writing MgO. Now we have to balance it. है ना? अब यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? दो. ठीक है. तो मैं यहाँ तो टू नहीं लगा सकता. गलत हो जाएगा. तो मैं कहाँ लगाऊंगा? टू. ठीक है. अब यहाँ टू लगाने से ऑक्सीजन got balanced. But my magnesium is balanced. It's not that. So what I will do is, I will write here 2. Now balance. Understood? So whenever a metal is getting reactive or reacting with oxygen, what will it give? Metal oxide. And similarly, if I mean, NM kar deta hu, if a non-metal is getting reacting with oxygen, it will also form non-metal oxide. ठीक है, इसका सबसे best example है. नॉन मेटल की बात करेंगे तब सी प्लस ओ टू गिव्स सीओ टू. अब ये फॉर्मूला कैसे बना पता है सबको? बिकॉज सेम सिचुएशन सी फोर है, ओ के पास क्या है? टू है. ठीक है, तो दोनों साइड से टू काउंट कर लेते हैं, बात आ जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू कॉमन आ जाएगा दोनों में से. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक के पास मेरा बचेगा टू, एक के पास हो जाएगा खत्म, आपका CO2 बन जाएगा. क्लियर है चीज? सो बी इट मेटल और बी इट नॉन मेटल, इट विल ऑलवेज फॉर्म मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड. नाउ टॉकिंग अबाउट वाटर, सो व्हेनेवर मेटल इज ट्रीटेड विद वाटर, अब ये रिएक्शन हम सेकंड चैप्टर में भी हम देखेंगे. जब हमने एसिड्स की रिएक्शन बताई थी, मैंने एसिड्स के लिए वीडियो में मैंने साफ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आई हैव मेंशन दिस इन द वीडियो दैट व्हेन अ मेटल इज रिएक्टिंग विद वाटर, सॉरी मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड और मेटल इज रिएक्टिंग विद वाटर, देयर विल बी समथिंग चेंज. ठीक है, जब हमने मेटल को वाटर से ट्रीट किया तो क्या हुआ? हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, हमें क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड क्या होता है मेरा? OH. ठीक है, तो जो भी मेरा मेटल होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा NOH बन जाएगा. ठीक है, अब देखो इस चीज को यहीं पर समझते हैं. मेटल था, मेटल ऐसे ही साफ है. अब यहां से मेरा टूटा ना H प्लस OH, ये चीज होगी. अब बिकॉज मेटल पॉजिटिव है, मेटल इज पॉजिटिव, विल इट रिएक्ट विद और अटैच विद अनदर पॉजिटिव? वी नो बाय बाय थ्योरी फ्रॉम फिफ्थ क्लास ऑफ फोर्थ क्लास, यू नो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल है ना, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट. तो कौन सा जाएगा इसके पास? OH ही जा सकता है. अब बचा मेरा हाइड्रोजन, क्या करेगा? हाय मैं अलग हो गया, मैं मेरे को छोड़ दिया, मेरे को OH ने भगा दिया, ये करेगा? मैं चल बाहर ऐसे ही करो, आई विल जस्ट मेक अनदर, आई विल जस्ट मेक ही विल जस्ट मैच विद अनदर हाइड्रोजन एंड व्हाट विल इट डू? इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड लीव द सिस्टम. ओके, इट विल सिंपली गेट अटैच्ड विद अनदर हाइड्रोजन एंड इट विल लीव द सिस्टम. सो ओनली थिंग रिमेनिंग विद मी इज मेटल हाइड्रोक्साइड. फॉर एग्जाम्पल अगेन सोडियम की भी बात करते हैं हम, यहाँ पे सोडियम की बात नहीं, यहाँ पे मैं पोटेशियम की बात नहीं कर सकता हूँ. याद करो, अब एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू आर लर्निंग एक्टिविटी टेबल वेरी थॉरली. ठीक है, ये वैसे याद नहीं करना जैसे आपने नेक्स्ट क्लास में याद किया था, अब आपको ये ढंग से याद करनी पड़ेगी, बिकॉज रिएक्शन तभी समझ पाओगे डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट जब आपको ये रिएक्टिविटी सीक्वेंस पता होगा. ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट नोट्स दिए थे, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स दिए थे हैंडरेड नोट्स, उन हैंडरेड नोट्स के अंदर आपके पास रिएक्टिविटी टेबल को याद करने का तरीका भी दिया हुआ है, वहां से याद करो, गो थ्रू इट, स्टडी इट, यू विल मेक इट इजी फॉर यू. ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी हम पोटेशियम और सोडियम की बात करेंगे, दीज आर द हाई रिएक्टिव मेटल्स. अंडरस्टूड? दीज आर द हाई रिएक्टिव मेटल्स. सो जैसे हमने पोटेशियम को पानी में डाल दिया, बूम, पटाखा छूट जाएगा.
Similarly, potassium it will be a plus. ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन आपने घर में भी देखी होगी, यू माइट हैव सीन द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम जब घर में वो चूना करने के लिए आते हैं, पहले का वाइट वॉश होता था, चूने को पानी में भिगो के रखते थे, चूने को उबलने लगता था, गांव में शायद अभी भी किसी ने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ पेंट हो रहा हो उसमें यही होता है, चूना डालते थे उसमें पानी डाल के छोड़ देते हैं, दो तीन घंटे तक तो पानी उबल रहा होता है, जब वो एक दो एक दिन ठंडा हो जाएगा फिर उसको यूज करते हैं चूने को। ठीक है, तो वो क्या है रिएक्शन हो रही है ना आप। So what will happen here is NaOH plus hydrogen gas. ठीक है, आप बच्ची का बैलेंस कर देंगे, वो बैलेंस आप कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, सिमिलरली पोटेशियम में भी जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा मेरा KOH plus hydrogen gas। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हाइड्रोजन गैस आती है तो एक चीज और याद रखो, here you should know one more thing about the test for hydrogen gas। दो मैंने इस वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस लिक्विड आउट हो रही है यहां से, हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग इवॉल्व, सो देयर इज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। वो टेस्ट कैसा है, हम क्या करते हैं रिएक्शन की, ठीक है, बट हमने पानी कौन सा इस्तेमाल किया, साबुन जैसा पानी। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गई, ठीक है, इसको हमने ढक दिया, समझो इस चीज को थोड़ा सा, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ डू यू सी दैट हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, कोई और गैस निकल सकती है, आपको कैसे पता हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, तो उस चीज के लिए पॉप साउंड टेस्ट होता है, क्या सिंपल, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं इस चीज को। Suppose this is a container in which I am reacting. Okay, water is there and this is the piece of sodium. ठीक है? Soapy water, साबुन वाला पानी। ठीक है? सिर्फ मैंने सोडियम की बात की, किसी भी केस में अगर आपके हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही होगी, किसी भी केस में बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही होगी तो क्या होगा, यहां से आएगी इधर जाएगी। ठीक है, अब यहां आएगी हाइड्रोजन गैस तो क्या होगा, तो प्रोपेलेंस क्रिएट। ठीक है, तो ये यहां से बुलबुले होंगे बिकॉज़ साबुन के पानी में वो आपने सबने बलून्स बनाए हैं, वो बबल्स बनाए हैं, यू ऑल आर अवेयर है ना, तो वहां से बबल्स निकलेंगे, वो बबल्स जैसे ही आप उस बबल्स के पास मोमबत्ती या कुछ भी लेके जाओगे कैंडल, तो एकदम पट की आवाज के साथ फटेगा, दैट्स व्हाई वी सेड बाय द पॉपिंग पॉप ऑफ साउंड। ठीक है, बबल फटता है जरा सी आवाज होती है पट की। ठीक है, सो ये चीज आप क्या करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर रिएक्शन फ्रॉम वाटर एंड ऑक्सीजन, अब हमारे पास आती है रिएक्शन विद एसिड। ब्रीफ सीक्वेंस में हमारे पास क्या बचता है, हमने हवा के साथ ट्रीट कर लिया, हमने उस चीज को पानी के साथ ट्रीट कर लिया, अब ये चीज क्या बची, अगला पड़ाव क्या है, एसिड्स। प्लीज गिव मी द बुक। पेज नंबर 49 पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, पेज नंबर 49 पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज हाउ व्हाट मेटल्स आर बर्न इन एयर, ये मतलब क्या है इसका, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी चीज कहां चलती है, ऑक्सीजन भी चलती है ना, कागज चलाना है ऑक्सीजन में डालो क्या वो जलेगा, सो इफ समथिंग इज बर्निंग इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन है अलग अलग अलग। ओके, अब इसी में आपके पास एक रिएक्शन जैसे दे रखी है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन फॉलोइंग मैनर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक चीज आती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, दैट इज हैविंग एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, ये एम्फोटेरिक सॉल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये पानी का, सॉरी
एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बेस के साथ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं एम्फीबियन, एम्फो वर्ड जो है दो चीजों को एक साथ जोड़ेंगे। सो एम्फीबियन बोलते हैं वो पानी में भी सरक सकते हैं और जमीन पे भी जिंदा रह सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड एक्सेट्रा। सिमिलरली जब हम बात करें एम्फोटेरिक सॉल्ट की, इसका मतलब है दैट इज दैट समथिंग व्हिच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। जैसे अब वैसे ही आपके सिलेबस पे जरा सी बाहर की चीज है, ठीक है, बट हमारे जो पानी है वो भी एम्फोटेरिक नेचर है, पानी का भी एम्फोटेरिक नेचर है। कैसे एम्फोटेरिक नेचर है, जब हम पानी को ब्रेक करते हैं हमारे पास क्या आता है, मेरे पास एसिड भी आया, मेरे पास बेस भी आ गया, आता है। सो वाटर भी हमारे एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, बट बहुत माइल्ड स्केल पर, ठीक है, इतना हाई पावरफुल नहीं। तभी हमारे उसकी पीएच क्या दी गई है, 7, ठीक है, ओके। फिर आपके पास जो हमने रिएक्शन अभी की थी यहाँ पर सोडियम की और पोटेशियम की रिएक्शन आपके दी हुई है पानी के साथ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, तो आपके पास बहुत सारी रिएक्शन की गई है मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या ओके, देयर इज अ करेक्शन इन द बुक, ठीक है, बुक में एक छोटी सी करेक्शन है, पेज नंबर 43 पे, इस चीज को ध्यान देना, इस बुक में है अभी इस बुक में गड़बड़ है, ये छोटी सी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल प्लस वाटर इज मेटल ऑक्साइड प्लस लिखा हुआ है। चलो अब इसी रिएक्शन को नीचे देखो, पोटेशियम प्लस वाटर रिएक्शन हो रही है, क्या बना मेरा, ठीक है, जो चीज बताई थी वही हुई ना, ठीक। अब ये एक्चुअल में क्या बताना चाहते हैं इस बुक के अंदर, इस चीज को जरा सा थोड़ा सा क्लियर मैं कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सर ने जो बताया था मेटल की रिएक्शन को, तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, बट बुक में तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझो, मेटल प्लस वाटर, ठीक है, अब मेरा एच और ओ एच दो में टूटा हुआ है ना, ठीक है। अगर मैं यहां से दोनों को निकाल दूं बाहर, दोनों को बाहर निकाल दूं तो क्या बचा रहेगा, ऑक्सीजन बचा, ठीक है। अब निकालने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। लेकिन अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, याद करो जब आपने लास्ट ईयर आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया था जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, किया था, इट बॉन्ड विद डेथ, ये इस साल भी सिलेबस में है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, इट इज इन दिस ईयर सिलेबस आल्सो, वी हैव किया बर्निंग ऑफ मेटल इन ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, वी गॉट अ डेजलिंग व्हाइट लाइट, वी गॉट अ डेजलिंग व्हाइट लाइट, बट उसके साथ हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा अब जब हमने उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाहरी सर पाउडर था उसको हमने पेटी उसमें चाइना डिश के अंदर पानी में मिलाया था, तो उसकी पीएच एकदम चेंज हो गई थी, वो बेस बन गया था, बना था, तो वहां पे क्या हुआ था बेसिकली, इसको रखते ठीक है।
बट कुछ ऐसे भी होगा जो एम इसके साथ अलग से पड़ा होगा, कुछ रिएक्शन के साथ अलग से एम भी जाएगा उसके अंदर, तो ये ओ एच जो है तो उसके साथ चला जाएगा। तो ये हमारा जब हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड, जब भी पानी के साथ ट्रीट किया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ब्रिक्स। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इस एक चीज को याद रख लीजिए, बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं मेटल हाइड्रोक्साइड की, तो अगर मेरा मेटल है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल, देन व्हाट मेटल विल प्रोड्यूस, ब्रिक्स। मेटल क्या बनाएगा, बेस। और अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की, वो हमेशा क्या बनाएगा, एसिड। समझ में आया? अब एक फटाफट से काम करो, चैप्टर नंबर 5 में एक पेज है, पीरियोडिक टेबल कौन से पेज पर है, 86 पर। हाँ, 86 पे पीरियोडिक टेबल पर है। ठीक है, अब इस 86 की पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, LiNaKRbCl फ्रेंशियम, ये सारे क्या बनाएंगे, देखो देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, LiOH NaOH KOH RbOH and cesium OH and फ्रेंशियम OH। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो दूसरे पर जाते हैं, BeOH in, समझ में आया? अच्छा नीचे जाते हैं, MgOH, ठीक है। अच्छा उसके बाद Ca, देख लो सारी सीखें सही कैसे जा रही है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल्स। याद है मैं जब बेस बताया था, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन ऑन बेस, मैंने बेस की वीडियो में बताया अल्कली की बात की थी मैंने, अल्कली अल्कली है क्यों, अल्कली का अल्कली वर्ड किसके लिए, बेस के लिए होता है। ये सारे बेस बना रहे हैं, बना रहे हैं, और अल्कली अर्थ मेटल अर्थ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा ज्यादा मिल जाते हैं, ये अल्कली अर्थ मेटल क्योंकि ये भी बेस बना रहे हैं। क्लियर हुई चीज, क्लियर। चलो आगे करते हैं, इस पेज नंबर 41 पर भी जाते हैं ना, 43। हाँ 43। सो बाकी रिएक्शंस होने हैं, सब में ये चीज हो रही है। अगर आप नीचे देखिए कैल्शियम की रिएक्शन, सोडियम की, पोटेशियम की, सब में क्या निकला गया, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, ये तो मेरा बेस बना, बेस के साथ ये हाइड्रोजन गैस निकली और हीट एनर्जी। ठीक है, मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, ग्रुप में, उसके उस रिएक्शन वीडियो के अंदर क्या है, अलग अलग लोगों ने सोडियम की, पोटेशियम की, सीजियम की, यूरिया की, जितने भी फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट सीक्वेंस, ये सब रिएक्शन दिखा रखी है। ठीक है, इनमें से एक है पोटेशियम के, पोटेशियम की एक वीडियो है जिसके अंदर जैसे पोटेशियम को डालते हैं उसके अंदर जो कांच का बर्तन था वो ही फट जाता है। ठीक है, आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू, आई विल मेक श्योर दैट यू हैव द कॉपी ऑफ इट। तो यहां हमने जो बात की है, मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, सॉरी हाइड्रोजन गैस, साथ में एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट भी आती है। ठीक है, अच्छा मुझे कौन बताएगा ऐसी रिएक्शन कैसी होगी, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कौन सी कैटेगरी में जाएगी, करेक्ट, एक्सोथर्मिक, बिकॉज हीट इज गेटिंग रिलीज्ड। आई बात समझे, एक्सोथर्मिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना सबको भी। चलो ऑन, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। चलो जब हम बात करते हैं मेटल्स और एसिड की, तो हमारे पास एक सिंपल सी कैटेगरी आती है, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस
अगर यहां पे पानी डाला था तो क्या था मेरा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब हमने एसिड डाला तो क्या होगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी रिएक्शन हमने देखी हुई है, इस चीज की रिएक्शन हमने देखी हुई है। सपोज C यूज करो सोडियम प्लस HCl व्हाट इट गिव, आपको पता है कि NaCl देगा है ना। अब अच्छा मुझे कोई बता सकते हैं NaCl की बना सर दो चीजें, यू आर करेक्ट ऑप्शनिंग लक्ष्य, यस यू आर एग्जैक्टली करेक्ट, बट इसके दो रीजन है। ठीक है मैं दोनों रीजन अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला रीजन रिएक्टिविटी टेबल, रिएक्टिविटी टेबल के हिसाब से हाइड्रोजन मेरा कहीं यहाँ आता सोडियम मेरा सबके सर पे बैठता है ना, सर पे तो थोड़ा सा नीचे बैठता है लेकिन यहाँ पे ऊपर। ठीक है और रिएक्टिविटी ये कहती है जस्ट इसके ऊपर भी अगर कोई होगा तो भी उसको रिप्लेस कर देगा, तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, isn't it? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एनए ने। अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहुंचा था। दूसरा अगर मैं इसे ब्रेक करता हूं एच प्लस सीएल माइनस, दूसरा तरीका एच और सीएल में ब्रेक हो जाएगा। अब अगेन ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है कभी मिलेंगे नहीं, कौन जाएगा इसके साथ में बचा हाइड्रोजन, चल बात तो हाइड्रोजन टू बी लिबरेटेड, अंडरस्टूड इज इट क्लियर। अब कोई भी ऐसी रिएक्शन हो सकती है इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या सॉल्ट आएगा बता सकते हैं। ठीक है अब सेम सिचुएशन अभी तो हमने बात की एसिड की इसके साथ एसिड के साथ, चलो वैसे हम बेस के साथ अगर बात करें तो क्या होगा मेटल की बेस के साथ, and